जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो जी, जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि मेरी हर न्यू वीडियो आप सबसे पहले फ्री में देख सकें। आज मैं आप लोगों के लिए बनाने लगा हूँ क्वार्टर चीज़ या फिर पनीर। एक ही चीज़ होती है, नाम दो होते हैं, क्या मैटर होगा, क्या प्रोसीजर होगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी, चलते हैं किचन में, मिलते हैं किचन में, फिर स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी क्वार्टर चीज़ या फिर पनीर। आ चुके हैं किचन में, स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी, बना रहे हैं क्वार्टर चीज़ या फिर पनीर। दोनों में से एक ही बात होती है, एक ही दो नामों की लिए जाते हैं, फिर क्वार्टर चीज़ और पनीर भी बोला जाता है। तो स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। इसकी इंग्रेडिएंट दिखाता हूँ, 3 टेबल स्पून विनीगर है, मतलब वाइट वाला सिरका, और पुरानी वेस्टेड मतलब कपड़ा ले जाना है, कोई भी जो पुराना हो, मलमल का हो या जो भी, कलरफुल लेना चाहे कलरफुल ले सकते हैं, और वाइट लेना चाहे वाइट ले सकते हैं, कोई भी किस्म का कपड़ा ले सकते हैं। इसके लिए कपड़ा चाहिए होगा, और एक प्लेट और एक इस तरह का गहरा सा बॉल चाहिए होगा। विनीगर आपको बता चुका हूँ, और इसके लिए चाहिए होगा 1 लीटर दूध। 1 लीटर से ज़्यादा ही बना सकते हैं, अगर 1 लीटर से ज़्यादा बनाएंगे तो विनीगर की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। जब विनीगर की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, मतलब अगर 2 किलो दूध है तो उसके अंदर 6 टेबल स्पून जाएगा। 6 टेबल स्पून होता है अबाउट 50 ml के करीब, और 3 टेबल स्पून होता है अबाउट 25 ml के करीब। तो स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। मैंने 1 लीटर दूध को यहाँ बॉयल करने रख दिया है, इसको जब तक बॉयल होता है फिर मिलते हैं अगेन। जी, तो वो दूध में बॉइलिंग शुरू हो चुकी है, मेरा मिल्क बॉयल हो चुका है। ज़्यादा बॉयल नहीं करना, 1 से 2 दफ़ा बॉयल करना है, एंड दैट्स इट। फ्लेम ऑफ नहीं करनी, स्मॉल कर देनी है फ्लेम, मीडियम स्मॉल करनी है फ्लेम इसकी, मीडियम हाई नहीं। अब इसके अंदर ऐड करना होगा विनीगर, तो विनीगर 1 टेबल स्पून करके 3 टाइम ऐड करेंगे। 1 टाइम विनीगर, 1 टेबल स्पून ऐड किया मैंने, और हल्का सा लेके हल्का सा इसको हिलाना है। ज़्यादा मिक्स नहीं करना है इसको, एक बार फिर 1 टेबल स्पून विनीगर, और फिर हल्के से हिलाना है। इतना करना है कि दूध हमारा कर्डल हो जाए, मतलब दूध फट जाए। अब मेरा दूध कर्डल होना स्टार्ट हो चुका है, मैं 2 टेबल स्पून के अंदर ऐड कर चुका हूँ। वंस अगेन आई एडेड 1 टेबल स्पून ऑफ विनीगर, एंड वंस अगेन स्टर। मिल्क मेरा कर्डल हो चुका है ज़बरदस्त सा, लेकिन विनीगर की जितनी क्वांटिटी बताइए, विनीगर उतनी क्वांटिटी में ही जाएगा। अगर कर्डल हो जाए तो आप विनीगर को रोकिएगा मत, सारा विनीगर एक साथ मत डालिएगा, लेकिन जाएगा विनीगर सारा इसमें। अब देखें विनीगर 1 टेबल स्पून बचा है, मैं एक साथ इसके अंदर ऐड कर देता हूँ। ऐड कर दिया विनीगर मैंने एक साथ, हल्की सी फ्लेम हाई कर रहा हूँ, मतलब मीडियम हाई। मिल्क क्रेडल हो चुका है ज़बरदस्त सा, दूध अलग और पानी अलग हो चुका है। इसके अंदर एक बॉयल आता है, तो फिर मैं बताता हूँ क्या करना है। देखें दूध के अंदर 1 बॉयल आ चुका है, मैं इसकी फ्लेम बिल्कुल ऑफ कर देता हूँ। फ्लेम ऑफ कर दिया मैंने, इस तरीके का आपके पास भी टेक्सचर हो जाएगा मिल्क का, देख लीजिए इस तरीके का। और इस तरफ मैंने एक बड़े बाउल के ऊपर अपना मलमल का कपड़ा है, जो भी आपके पास वेस्टेज किचन वेस्टेज हो, जो भी आप इस्तेमाल करते हो, उस पर बिछाना है। अब इसके अंदर ये ऐड करते हैं, अब इसके ऊपर ये सब निकाल लेना है एक साथ। मैं जल्दी से निकालता हूँ, फिर मिलता हूँ। जी, तो मैं सारा पानी इसका निकाल चुका हूँ, इसको सारा ड्रेन कर लिया है कपड़े के ऊपर। अब इसको अपने इस तरह पकड़ना है चारों तरफ से, इस तरह पकड़ना है,
इसको पानी इतना रिमूव करना है, तरीके गर्म होगा बट ये गर्म में ही करना है। एक छन्नी लेनी है हाथ से, नहीं देखें इस तरह की छन्नी लेनी है हाथ से, बहुत ज़्यादा गर्म है तो नहीं होगा, हाथ से इस तरह प्रेस करते रहें इस तरीके से। अब जितना भी इसका एक्सेस वाटर होगा सब रिमूव हो जाएगा, हाथ से नहीं करना, चम्मच से कर सकते हैं इस तरीके से। इसको चाहें तो किसी चीज़ के नीचे लटका भी सकते हैं। देखिए पानी इसका निकल रहा है अभी भी, जी जनाब तो मैं इतना का पानी निकाल चुका हूँ। अब इसके अंदर से और पानी रिमूव होगा तो मैं और पानी निकालता हूँ, जब तक फिर मैं पानी निकालता हूँ कि जल्दी साफ से बनता हूँ। जी जनाब दोस्तों पाना सारा पानी रिमूव हो चुका है, देख रहे हैं इसमें से पानी नहीं निकल रहा है, बहुत कम निकल रहा है, बस ये भी सारा पानी इसका रिमूव कर चुके हैं। अब उस क्वांटिटी में अंदर से पानी रिमूव नहीं हो रहा जिस क्वांटिटी में हो रहा था, दो से तीन दफ़ा और करना है ये बिल्कुल कम्प्लीटली ड्राई हो जाएगा। इसके बाद हमारी कोटर चीज़ या पनीर ऑलमोस्ट रेडी हो जाएगी। ये मेरा हो चुका है रेडी, मैं इसको कम्प्लीट करता हूँ, सैंडविच डिश में निकालता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे। जी जनाब तो इसको रिमूव कर लिया मैंने, देखें अब बिल्कुल वाटर में से रिमूव हो चुका है। ये कॉटर चीज़ मेरी रेडी हो चुकी है, कॉटर चीज़ या पनीर मेरी रेडी हो चुकी है, ज़बरदस्ती ज़बरदस्ती रेडी हो चुकी है। जी जनाब तो ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है कॉटर चीज़ या पनीर, इसके साथ हम आगे दूसरी रेसिपी में इसको यूज़ करेंगे इंशाल्लाह। आई होप कि आप सब लोगों को समझ में आई होगी, जिसको समझ में आया वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर न्यू वीडियो सबसे पहले फ्री में देख सकें। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए, दीजिए इजाज़त, सी यू सून, अल्लाह हाफिज़।